तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये सड़क, अभी मैं ये टोटो पे हूँ, इसको ऑटो बोलते हो आप, बैटरी वाला रिक्शा। अभी मैं यहाँ से निकला तो मैं अनिशाबाद की तरफ से आ रहा हूँ, और ये जहाँ पर अभी ये गाड़ी रुकी हुई है, ये देख लो खाली खाली गाड़ी है, बगल में आकर लगी है, तो इसको ही रिक्शा कहते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है ना, पटना जंक्शन जाने का रास्ता है, करबी गैया के साइड, आयकर चौराहा, गांधी मैदान। तो ये जो मैं जा रहा हूँ अभी, ये बैटरी वाला रिक्शा मुझे यहाँ से लेकर जाएगा करबी गैया की तरफ। यानी कि दो प्लेटफॉर्म है, मतलब प्लेटफॉर्म एक ही है, स्टेशन के दो पार्ट साइड है, एक जो मंदिर की तरफ जाता है, हनुमान मंदिर की तरफ, और दूसरा साइड वो है जिधर करबी गैया साइड होता है। ये देखो ये अभी यहाँ पर पहले बस स्टैंड हुआ करता था, आज ये बस स्टैंड यहाँ से हट चुका है। इस एरिया को मीठापुर बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, मतलब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एरिया देखो, ये जो आप घेरा हुआ देख रहे हो ना, ये कंप्लीट बस स्टैंड थी पहले, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा करती थी, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा जाम हुआ करता था, और ये एरिया भी काफ़ी पॉपुलर था इस मामले में। देखो अभी यहाँ पर क्या है, कुछ संस्थान पटना, मैंने अच्छे से वो देखा नहीं। एक्चुअली इसी रोड में निफ्ट भी है, और आर्यभट्ट कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी साइड कॉलेज, आई एम सॉरी, आर्यभट्ट कॉलेज भी इधर ही है। तो ये रहा आर्यभट्ट, जो काफ़ी फेमस है, इट्स अ यूनिवर्सिटी नॉट अ कॉलेज, सॉरी, ये एक कॉलेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। इसके बाद जैसे आप आते हो, ये देख रहे हो ना, ये एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जहाँ पर रुका है इसे जकनपुर कहते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा एरिया। जब से यहाँ पर से बस स्टैंड हटा है, तब से यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ हो गई है। अब ये जो एरिया है, ये मैं आ चुका हूँ करबी गैया के दूसरे साइड, यानी जंक्शन के साइड। सामने देखो ये हनुमान मंदिर, मंदिर अभी बंद नहीं हुआ है, रात को 10 बजे हम लोग निकले हैं मंदिर में जाने के लिए। वैसे तो निकले थे कुछ और काम के लिए, लेकिन कोई और काम में लग गए। क्या निरंजन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जाते हैं दर्शन करते हैं हनुमान जी का। बुलावा कब कहाँ से आ जाता है कुछ पता नहीं चलता है। ये बढ़िया था गुरु। अभी हम लोग उस साइड से, इस साइड करबी गैया साइड में थे, करबी गैया साइड से इधर आ गए, क्या नाम है इस साइड, जंक्शन के साइड में। फिर सोचे कि अब खाने का मन कर रहा भी है, नहीं भी कर रहा है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी यहाँ पे 10 बज रहा हो, दिखाओ, चलो दिखाते हैं कुछ। ये पटना जंक्शन है, और बट जैसे ये देखो, ये गोलंबर है पटना जंक्शन का, ये है मंदिर। क्या हम पहुंचते हैं तो देखते हैं, मंदिर अब बंद हो चुकी है, और अब हमारा मूड थोड़ा सा यहाँ पर से चेंज होता है। फिर मैं एक चीज़ यहाँ देखता हूँ कि बिहार के बारे में कहा जाता है, हर जगह लिखा जाता है मैं, बट बिहार में कुछ ऐसा होता है कि हम, और अगर आप हम देख रहे हो जहाँ मैं देख रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है कि आप पक्का बिहारी हो। तो वी लव पटना जंक्शन, आई लव तो बहुत सुना होगा। अब ये रहा पटना जंक्शन के अंदर, क्योंकि ये करबी गैया के दूसरे छोर के साइड, मतलब अभी मैं जो था जंक्शन के साइड था, बट अब मैं जो जा रहा हूँ वो फिर से करबी गैया के साइड जा रहा हूँ। तो ये जंक्शन के बीच में एक ओवरब्रिज है, आप चाहो तो ये 10 रुपये का टिकट लेकर आ जा सकते हो, प्लेटफॉर्म टिकट लेना कंपलसरी है। तो वही मैंने किया था, मैंने प्लेटफॉर्म टिकट पहले ही ले लिया था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो अभी क्या है, ये देखो ये जो बंदा लेटा हुआ है, मतलब मजबूरियां बहुतों के साथ होती है, बहुत तरीके की होती है। तो ये अभी अपन जिधर जा रहे हैं, ये करबी गैया साइड है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गया करबी गैया। हाँ तो भाई और बहनों, ये स्वागत है आपका करबी गैया साइड। अब ये करबी गैया स्टेशन है, मतलब स्टेशन एक ही है पटना, लेकिन इसके दोनों साइड के अलग अलग नाम है। ये करबी गैया साइड है, यहाँ से बस स्टैंड के लिए जाया जाता था, आज भी जाया जाता है, क्योंकि आज भी बस स्टैंड 0 माइल पर चली गई है, और मेरा होटल ठहरा वो रेड वाला जो आप देख रहे हो उसके सामने। अब मैं मिलता हूँ आपको अपने होटल के अंदर। बूम, सो फाइनली रूम पे आ गया। और अभी क्या हुआ कि अभी मैं गया था खाना खाने के लिए। एक्चुअली पटना में अगर आप करबी गैया साइड में रुक रहे हो, तो आपको खाना खाने अगर जाना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप उस साइड चले जाओ। इस साइड उतने अच्छे होटल्स नहीं मिलते। आप अगर, मतलब उस साइड कहने का सेंस होता है कि हनुमान मंदिर की तरफ, जिसको जंक्शन बोलते हैं, तो जंक्शन की साइड अगर आप जाओगे तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि होटल्स अच्छे होते हैं, अगर आप चीप में खाना खाना चाहते हो तो आपको चीप के खाने, मतलब सस्ते खाने में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब होगी।
अगर आपको चाहिए कि मुझे 100 रुपये में अच्छा खाना खाना है वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 200 रुपये 500 रुपये में अच्छा खाना है ना, वो तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये अच्छा होता है कि जंक्शन के साइड आपको जाने में ये बेनिफिट होता है। अभी मैं जिसमें रुका हुआ ये होटल चाणक्य इन है, बिल्कुल वाहियात होटल है। मतलब क्या बोला तूने? मतलब सर्विस के मामले में 0 है, यहाँ पर रुकना बेकार है। ये कर भी गई है साइड वाला, और भी चाणक्य है बहुत अच्छे अच्छे होटल से चाणक्य, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इस चाणक्य की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी। और आज क्या हुआ, आज तो बहुत सारा काम वगैरह भी हुआ। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। तो बेसिकली ऐसा है कि अभी खाने का तो दिल था नहीं, फिर भी सोचा थोड़ा खा लेता हूँ, क्योंकि बार बार जाना फिर आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये है कि अभी चल रहा है, यहाँ सफ़र अच्छा रहा था ट्रेन का। पहले ट्रेन से आया भागलपुर से पटना, पटना में अभी यहाँ पर, यहाँ से गया मैं अनिशाबाद के साइड, कर भी गई वगैरह के साइड में, फिर वहाँ से अभी होटल आया खाने को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो आप इन्जॉय भी करते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप मज़ा नहीं आता है, आप सोचते हो मज़ा नहीं आ रहा है, बस हवा निकल गई। तो बिल्कुल सही। तो होता क्या है कि बहुत टाइम पे आप चाहते हो कि चीज़ों को इन्जॉय करें, लेकिन सामने वाले को लगता है कि आप उन चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हो, बट एक्चुअल में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर पा रहे होते हो, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए खुद को ढाल नहीं पा रहे हो, या फिर चाहते हो उन चीज़ों को ढालना लेकिन हो नहीं पाता है। है कुछ चीज़ें, खैर देखते हैं, और ब्लॉग्स में आगे मैं दिखाता हूँ। अभी पानी लेकर आया, क्योंकि बाहर से पानी ज़्यादा सस्ता है, पानी पीना ही तो है, 50 रुपये का पानी पियो या 30 रुपये का पानी पियो, मिनरल वाटर होना चाहिए, और अपने देश का रेल नीर। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ये भी ठीक है, बात तो सही है। तो ठीक है, देखते हैं, आगे की ब्लॉग्स में डालता हूँ।